फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द नेशन नीड्स यू। आई एम आरसी मिश्रा, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस कोच, भुवनेश्वर, उड़ीसा। इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। लेट मी टेल यू, दिस प्रोवर्ब्स आर नोन एज कहावते, जो कि ज़्यादातर हम लोग बातचीत के दौरान क्या बोलते हैं एक दूसरे को। एंड दिस प्रोवर्ब इज वेरी हेल्पफुल फॉर टॉकिंग विद पीपल एंड टेलिंग सम व्हाट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विदाउट टेलिंग मच थिंग। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल के हम सेशन स्टार्ट करते हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे। एंड जो सारे नए व्यूअर्स हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, आज ही जुड़ रहे हैं चैनल पर, काइंडली चैनल को लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं ये चैनल के साथ आपका इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट के लिए, सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। एनी हाउ, लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। तो पहला जो हम लोगों का प्रोवर्ब्स है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारा जो काम होता है वो क्या ज़्यादा बताता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, दैट बिकम यूजलेस, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका जो काम है आपको बताता है, आपका प्रेजेंटेशन करता है दूसरे के सामने। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन व्हाट यू आर डूइंग इज मोर क्रूशियल, आप क्या करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या बोलते हैं दैट डजंट मैटर, what you are doing that really matter. So what is that, actions speak louder than words. तो बातें नहीं करना है, काम करना है, क्योंकि काम बता देता है क्या नहीं। And we don't need any kind of certificate for that, right? Okay, number one is done. आज का ये सेशन में हम लोग 10 तो प्रोवर्ब्स पढ़ने वाले हैं, फिर मैं आगे इसका आपको दूंगा, okay? And number two, a friend is need इज अ फ्रेंड इन डेड। तो ये वाला सेंटेंस को हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। इसका मतलब क्या है, एक फ्रेंड जो हमारा मुश्किल समय में, डिफ़िकल्ट समय में हमारे साथ खड़ा होता है, उसको हम सच्चे मित्र कहते हैं। और यहाँ पर इसीलिए मैंने किया क्या, अ पर्सन हु हेल्प्स और स्टैंड्स एट डिफ़िकल्ट टाइम इज ए व्हाट, ट्रू फ्रेंड एंड रियल फ्रेंड। सो व्हाट इज दैट, ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इनडिट। ये बोलने में बहुत आसान होता है, हमको खाली सिचुएशन के लिए वेट करना है, जब राइट सिचुएशन आएगा तो इसको यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर स्टूडेंट नाउ, ए हंग्री मैन इज आन एंग्री मैन। इट मीन्स व्हाट, जब आदमी भूखा होता है तो क्या होता है, गुस्सा होता है। तो हम बोल सकते हैं कोई सेंस में, लाइक व्हाट, अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। नाउ लेट्स मूव टू प्रोवर्ब्स नंबर फोर, व्हाट इज दैट, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। जो भी सारे चीज़ चल रहा है, अच्छा चीज़ चल रहा है, कुछ चल रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, वो कभी ना कभी एक एंड में आने वाला है, या मुसीबतें आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट कीप गुड थिंग्स फॉर एवर, अच्छा चीज़ को आप क्या हमेशा नहीं रख सकते पास में। फाइनली इट कम्स टू द एंड, लास्ट में क्या होता है, एंड में आ जाता है। तो इसलिए हम बोलते क्या, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, तो सारे अच्छे चीज़ क्या एक एंड में आ जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट, नॉट लास्ट, नंबर फाइव, व्हाट इज दैट, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। वेरी सिंपल, ऑल इज फेयर, सारे जायज है, इन लव एंड वॉर, वार में और लव में सब चीज़ जायज है। एंड दिस इज अ वेरी फिल्मी डायलॉग एवरी वन। ओके, सो वी लर्न फाइव प्रोवर्ब्स हियर, एंड व्हाट आर दोज, लाइक एक्शन स्पीक लाउडर देन व्हाट वर्ड्स, ए फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इनडीड, अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। ओके, एंड ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, एंड वन मोर, ऑल इज फेयर इन लव एंड व्हाट वर। Let's learn more five proverbs, because these proverbs might help you
व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, तो जो चीज़ आप बोलना चाहते हो उसको ट्रांसलेट नहीं करके उसके जगह पे जैसे सिंगल वर्ड में आपको बात बंद कर देना है। कोई आदमी है, कोई आपका फ्रेंड बोले मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिमका, तो आप क्या है उसको कुछ मत बोलिए, आप सिंपल चीज़ बोलिए, यू डोंट स्पीक मच, आई नो यू कैन डू दिस और दैट, वाट एवर इट इज, लेट्स वेट, योर एक्शन स्पीक लाउ वर्ड, वी कैन से वर्ड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो उसको बोल देंगे क्या, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वो समझ जाएगा कि काम चाहिए बातें नहीं चाहिए। लाइक पॉलिटिशियन वी कॉल देम व्हाट, क्या बोल सकते हैं उन लोगों को, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उनका बातें से ज़्यादा क्या काम बातें करता है, काम अच्छा हो कोई प्रमोशन का जरूरत नहीं है। लेट्स लर्न मोर 5 प्रोवर्ब्स नाउ। ओके, हियर वी विल स्टार्ट द प्रोवर्ब्स नंबर 6। सो टिल नाउ वी लर्न 5 प्रोवर्ब्स, नाउ इट्स टाइम टू रिमेंबर few new proverbs which are very helpful to us. Let me tell you, number 6, what is that? An empty vessel makes much noise. क्या जो खाली बर्तन होता है बहुत नॉइज करता है। इसका सेंस है जिस आदमी के अंदर कम ज्ञान होते हैं, कम गुण होते हैं, कम कैपेबिलिटी कैपेसिटी एबिलिटी और इंटीग्रिटी होता है, वो क्या ज़्यादा नॉइज करते हैं, ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। इट मीन्स वट, ए पर्सन विद द लीस्ट टैलेंट एंड नॉलेज हु स्पीक द मोच, वो ज़्यादा बोलता है। आपने कभी देखा है कि जो जायंट हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए हैं, दे स्पीक लेस, दे आर नॉट चैटर बॉक्स, बट दोज हु हैव नॉट डन एनीथिंग येट इन देयर लाइफ दे टॉक मच। That's why what we can say proverbs, an empty vessel makes much noise. खाली बर्तन बहुत noise करता है, right? Okay, number 7, a dog is a lion. अरे dog कैसे lion बन गया? कुत्ता कभी शेर बन सकता है क्या? A dog is a lion in his lane. अच्छा तो क्या क्या बोलते हैं उसमें सिंगल वर्ड में? अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। बहुत कहा सुनी है ये वाला, बहुत फेमस है। क्या है? अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब जब हमारे अंदर कुछ चीज़ होता है, हमारे जुरिस्डिक्शन तो नहीं है, हमारे अंदर आता है कोई चीज़, तो हम क्या और थोड़ा क्या प्राउडी हो जाते हैं। ओके, एंड नंबर 8, व्हाट इज़ दैट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो कुत्ता ज़्यादा भोंकता है वो काटता नहीं है, बस भोंकता है। दिस इज हैपन इन द रियल लाइफ ऑल्सो। लेट्स सी व्हाट, डोंट वरी अबाउट डॉग्स दैट बर्क और पीपल दैट ब्लैकमेल यू। ओके, दे रेयरली टेक एक्शन, वो बहुत कम एक्शन लेते हैं, बस बोलते हैं। दे व्हाट, रेयरली टेक एक्शन, वेरी लेस। तो व्हाट इज दैट, बर्किंग डॉग्स सेल्डम bite. Okay, one more, number 9, very important, that what is that, beggars cannot be chooser. So beggars होते हैं, भिखारी होते हैं, वो choosers नहीं होते। choosers मतलब क्या, no, I am not going to eat paneer today, I am going to have some salad and chicken 45 or 69 65. No, they don't have what that they can't afford all such thing. So what is that, beggars cannot be chooser. इसका मतलब है that if you are in a worst situation, आप अगर एक बुरे से बुरा वक्त में जा रहे हैं, and someone support to help you, और कोई आपको support कर रहा है आपका मदद करने के लिए, okay, you must take whatever they give you. वो जो भी देगा आपको वो लेना पड़ेगा। And do not ask for more help. उसको और ज़्यादा help नहीं मांगना चाहिए। आप मुसीबत में पड़ गए हैं and आप क्या एक help मिल रहा है, उसके ऊपर आप क्या चाह रहे हैं, golden parachute चाह रहे हैं, उड़ेंगे ऐसे, golden parachute। इसका मतलब क्या, जो चीज़ free में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, golden parachute। जैसे आपका bonus देता है कंपनी, क्या
आपको बोनस देता है। लेट्स से लेट मी शेयर यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी फॉर दिस बेगर कैनॉट बी ए चूजर। लाइक आई वॉज इन बेंगलोर, इट इज़ ए स्टोरी लाइक ए वेरी जेन्युइन स्टोरी अबाउट 7 years बैक। आई वॉज इन माराथली बेंगलुरु एंड वन डे आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम माई ऑफिस एज यूजल टाइमिंग एंड आई स्टॉप एट अ बेटल सेप टू हैव सम कप ऑफ टी। आई वॉज देयर देन आई नोटिस ए वेरी न्यू बर्न बेबी विथ हर मदर क्राइंग एंड दे ऑल लुक वेरी क्लमजी, दे बोथ लुक वेरी क्लमजी मीन्स वेरी स्टिंगी एंड सो वट आई कैन डू, आई जस्ट ऑफर देम ए पैकेट ऑफ ब्रेड। ओके सो देन दे आर आस्किंग अबाउट मनी एंड वो लेडी जो है मुझे बोला कि कुछ पैसे दे दो। आई सेड नो, आई कॉन्ट गिव मनी टू बेगर्स, आई कैन गिव ओनली फूड दिस और दैट। आफ्टर ए वाइल सी सेड दैट आई मिस्ड माई हजबेंड समवेयर, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन टू डू कॉल एंड दिस एंड दैट। सो आई वॉज ए लिटिल इनोसेंट दैट टाइम, सो आई वॉन्टेड टू गिव माई फोन। देन द बैटल्स ऑफ ऑनर he called me and said that please don't give your mobile phone to her, she is going to make you fall in trouble. And later I come to know that she is working something bad for her survival, right? She was one prostitute, right? So like in the easy way she trap people and make them fall in problem this and that. So that's why look, I have offered them a bread packet and still they are demanding give me your phone, give me some money, blah blah. It means like what? Beggars cannot be chooser. Okay, last proverb of the day. Charity begins at home. What is that? Charity begins at home. जो अच्छा चीज होता है, अच्छा कर्म होता है, अच्छे आदतें होता है, ये सब हम घर में सीखते हैं, स्कूल में नहीं सीखते। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता है, कोई आदमी नहीं सिखाता है, इसलिए बोलते हैं क्या, चैरिटी बिगिन एट होम। ओके एनी हाउ तो टुडे वी डिस्कस अराउंड 10 प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाई आई टीच ऑल दिस बिकॉज दिस प्रोवर्ब आर वेरी हेल्पफुल। लेट्स से इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल द डेफिनेशन दिस लॉन्ग डेफिनेशन यू कैन कंप्लीट योर जॉब विद जस्ट अ सिंगल वर्ड एंड it sound well also. Anyhow, stay connected with my channel. I'm going to post video regularly on different concept and topic. So I will see you people definitely in my next video. But before that, there is an online batch just started 2 days back. Those who are interested to improve their English fluency, grammar knowledge, complete grammar knowledge, then vocabulary, and also wanted to participate in free English speaking like group discussion and personal interview and personality development also, they can enroll in my with my program. The number is given below, it's scrolling, so you can also call that number and book your online class. Thank you so much for watching. I will see you in another lesson. Thank you for watching. Jai Hind.